हालेलुया, सबको जय मसीह की। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। डेली वर्ड ऑफ गॉड के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल होली गोस्ट प्रोडक्शन को और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए हम मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जो परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ निरुला जी के द्वारा लिखा गया है। हमारा आज का पवित्र वचन है, अपनी प्रशंसा को न गवाई। जैसे रूत एक अध्याय उसके एक आयत में लिखा, उन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा, तब यहूदा के बेतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला। हालेलुया, मेरे प्रियो, रूत की शादी के पहले उसके सास ससुर यहूदा में रहते थे और यहूदा का मतलब है प्रशंसा, मतलब वह परमेश्वर की प्रशंसा में थे। फिर जब यहूदा में अकाल पड़ा तो वह उस देश को छोड़कर मोआब देश को चले गए। मोआब वह देश था जो एक बेटी ने अपने पिता के साथ सोकर वंश पैदा किया था और परमेश्वर उस देश से नफरत करते थे। रूत के सास ससुर अपनी प्रशंसा को छोड़कर उस देश में चले गए जिस देश को परमेश्वर नफरत करते थे। मेरे प्रियो, जब उन्होंने अपनी प्रशंसा को छोड़ा तो थोड़े सालों के बाद ही रूत का ससुर, उसका पति और उसका जेठ भी मर गए थे। अगर आप शैतान के साथ लड़ोगे नहीं तो आप उससे डर के परमेश्वर को छोड़ देंगे, प्रार्थना करना बंद कर देंगे। फिर शैतान आपकी उस प्रशंसा को जो परमेश्वर ने आपको दी है वह उसको खत्म कर देगा। मेरे प्रियो, रूत के ससुर को उस समय अपनी प्रशंसा को बना के रखने के लिए उसको उसी देश में रहना चाहिए था, डरकर उस देश में से जाना नहीं चाहिए था। ऐसा ही आज कुछ लोग भी करते हैं कि अगर थोड़ा सा उनका कारोबार नीचे आता हो तो वह परमेश्वर को छोड़कर दूसरी ओर चले जाते हैं। वह दूसरे लोगों के जैसे करते हैं जो प्रार्थना का उत्तर न आने पर प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। ऐसे शैतान उनके जीवन की प्रशंसा गवाही को खत्म कर देता है, वह अपनी प्रशंसा को गवा लेते हैं। मेरे प्रियो, जब आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आता या आपका कारोबार नीचे जा रहा हो और फिर भी परमेश्वर में है और यह वचन बोलते हैं कि वह मुझे कुछ दे या ना दे, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उसी की महिमा करूँगा। फिर जब आप परमेश्वर में बने रहते हो, परमेश्वर को नहीं छोड़ते और अपनी प्रशंसा में बने रहते हो और रूत की सास ससुर के जैसे नहीं करते, तो फिर शैतान आपकी प्रशंसा को कभी खत्म नहीं कर पाता। फिर आप अपने जीवन में और भी गवाहियों को देखते हैं। मेरे प्रियो, जैसे हम बाइबल में देखते हैं कि रूत के पति की मौत होने के बाद उसके पास मौका था और वह वापस जा सकती थी और वह वापस नहीं गई। फिर उसने परमेश्वर और अपनी सास को चुना और फिर वह यहूदा वापस चले गई। फिर परमेश्वर ने उसे उसी खेत की मालिक बनाया जिसमें वह सिला बीजने जाती थी और अपने जीवन में बहुत सारी गवाहियों को दिया। अगर रूत के सास और ससुर भी अकाल के समय उस देश को छोड़कर ना जाते और वह अपनी प्रशंसा को न गवाते, तो परमेश्वर उन्हें उस अकाल के समय भी हर एक चीज को देता। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर में बने रहे, अड़े और खड़े रहे, अपने पापों से मुंह फेर ले ताकि आप अपनी प्रशंसा को फिर से ले सके। रूत के सास ससुर के जैसे अपनी प्रशंसा और गवाहों को छोड़कर वह काम न करे जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, जिससे परमेश्वर नफरत करता है। परमेश्वर के हुक्मों के अनुसार चले और प्रशंसा को न गवाए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष करे। आमीन, आमीन। अंगीकार, यह अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता, मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं आपके हजूरी में बनी रहूँगी। मैं आपकी दी हुई प्रशंसा को कभी नहीं खोऊंगी। आपका अनुग्रह मेरे ऊपर हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल, सबको जय मसीह की।